मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका फोर्थ क्लास की एसएसटी का लेसन 3 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत के महान मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप फोटो में देखिए, आपको येलो कलर से जो है शेड करके दिखाया गया है कि भारत में मरुस्थल कहाँ पर है। ठीक है, रेगिस्तान भी कहते हैं मरुस्थल को। और डेजर्ट इज एन एरिया विथ सैंडी लैंड विच इज़ वेरी ड्राई बिकॉज ऑफ लिटिल रेनफॉल। जो रेगिस्तान है वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर रेतीली भूमि होती है, सैंडी मतलब रेतीली जो भूमि होती है, और बहुत ही सूखा होता है वो एरिया, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है, बारिश जो है बहुत ही कम होती है। दिस एरिया सपोर्ट्स ओनली स्पर्स एंड वाइडली स्प्रेड वेजिटेशन और नो वेजिटेशन। यहाँ पर जो है ये, यहाँ तो वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब वनस्पति, यहाँ तो वनस्पति होती नहीं है, यहाँ होती भी है तो बहुत कम होती है और बहुत दूर दूर होती है। ठीक है, इन इंडिया द ग्रेट इंडियन डेजर्ट द थार लाइज इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। भारत में जो है, जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, उसको क्या कहा जाता है, थार के रेगिस्तान, थार का मरुस्थल भी कहते हैं। और ये कहाँ है, इंडिया के वेस्ट पार्ट में। अगर आप पिक्चर देखें तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, यहाँ इस तरफ राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साउथ साइड में वेस्ट होता है। और इंडिया का जो मरुस्थल है, थार मरुस्थल, वो वेस्ट एरिया को कवर करता है। ठीक है, द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन राजस्थान एंड गुजरात। और ये कौन सा एरिया है, ये राजस्थान और गुजरात है जहाँ पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। इट लाइज बिटवीन अरावली हिल्स एंड द इंडो पाक बॉर्डर। ये कहाँ पर तक फैला हुआ है, ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लेकर इंडो पाक बॉर्डर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक फैला हुआ है। द लैंडस्केप ऑफ द थार कंसिस्ट ऑफ हाई एंड लो सैंड ड्यूज, सैंडी प्लेन्स, लो बैरन हिल्स। जो ये एरिया है वो किससे, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, हाई और लो, ज़्यादा और कम, सैंड ड्यूज। सैंड ड्यूज क्या होते हैं, जब मिट्टी जो है हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती है और वो एक जगह पर इकट्ठी होती जाती है और टीले की तरह से एक शेप बन जाती है, उसको सैंड ड्यूज कहते हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं, नीचे सैंड ड्यूज जो हैं वो दिखाए गए हैं थार मरुस्थल के। तो रेत के टीले बन जाते हैं वो, और रेतीला मैदान होता है, देखेंगे आप तो टीले बने हुए हैं और रेत ही रेत है, मैदान लग रहा है और रेत ही रेत है। और बैरन मतलब होता है बंजर, जो है छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, दीज सैंड ड्यूज आर ऑलवेज इन मोशन विद एयर। और ये सैंड ड्यूज जो होते हैं, रेतीले टीले जो होते हैं, ये हमेशा हवा के साथ मोशन, आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, मोशन करते रहते हैं। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल और नो रेनफॉल। ये रीजन जो है, ये एरिया जो है, या तो यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। देयर आर अ फ्यू प्लेसेस विच डू नॉट गेट द रेनफॉल फॉर मैनी ईयर्स। और यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर बहुत सालों से बारिश नहीं हुई है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर। और जो अधिकतर बारिश जो होती है यहाँ पर, वो कब, कौन से महीनों में होती है, जुलाई से सेप्टेम्बर के बीच में होती है। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ मैं आपको इसके ये क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ। व्हाट इज़ डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है, वो एरिया जो कि सैंडी लैंड होती है और बहुत ही ड्राई होता है क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है, उसको डेजर्ट कहते हैं। नेम टू स्टेट्स ऑफ इंडिया विच फॉल अंडर द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में कौन सी दो स्टेट्स जो हैं वो होती हैं, राजस्थान एंड गुजरात, मैंने आपको भी बताया भी था। टेल अबाउट द वेदर ऑफ द डेजर्ट रीजन। आपको वेदर के बारे में बताना है। आपको पता है डेजर्ट रीजन में या तो बारिश बहुत कम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती, और कुछ ही जगह पे जो है
बारिश होती है, कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सालों से बारिश नहीं हुई है, और जो बारिश होती भी है वो कब होती है, जुलाई और सितंबर के बीच में। आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर को आप, मैंने थोड़ा सा ही चैप्टर समझाया है और उसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड किए हैं। आपने इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और उनको लिखना है, और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और क्वेश्चन आंसर्स को नीट एंड क्लीन नोट डाउन कर कर याद भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।